आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ राजीव पांडे। मध्य प्रदेश में बीते दो दिनों से अलग अलग जिलों में हवा, बारिश और ओले का दौर जारी है। शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में मावठे की बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं चेहरे ओले गिरने से मुरझा गए। बता दें कि शुक्रवार को प्रदेश के रतलाम व अशोकनगर सहित अन्य जिलों में चने के आकार के ओले गिरे हैं। यहां ओले के चलते धनिया और सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। दरअसल इस मौसम में मावठे की बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे, लेकिन यह बारिश लगातार होती रही जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार के शाम को प्रदेश के अलग अलग जिलों में सर्द हवाओं के साथ बारिश भी हुई, तो वहीं चने के आकार के ओले भी गिरे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में दो दिन से जारी बारिश बादल का मौसम अगले दो दिन और रह सकता है। मौसम जानकारों की माने तो अगले 5 से 6 घंटों में प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और ओले गिर सकते हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर भोपाल के अलावा ग्वालियर और बुंदेलखंड में रहेगा। वहीं 12 जनवरी तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम के जानकारों की माने तो अगले 6 घंटे में प्रदेश के भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दतिया, श्योपुर, कला, मुरैना, भिंड, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना में कहीं कहीं तेज बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। इधर रीवा, दमोह, कटनी, सतना, होशंगाबाद, गुना में हल्की बारिश हो सकती है और यहां 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।